लेकर आए इनको कंपनी का एयर स्प्रे गन, जिसको पेंट स्प्रे गन भी कहते हैं। इस मशीन की खासियत यह है, इसकी गन अलग है और मोटर अलग है, जो बहुत कम कंपनियां देती हैं। इसको अटैच करने के लिए आपका एक पाइप आता है, जो कि एयर। कई बार ये पाइप बहुत लंबे समय के बाद ख़राब हो जाता है। वैसे ये इस मटेरियल का बना हुआ है, ये पाइप ख़राब होता नहीं। इसकी लेंथ आप देख सकते हो। इसको अटैच करने का तरीका क्या है, ये पीछे इसके होल दिया हुआ है, ये जाएगा, ये दो डॉट है, ये जाएंगी ऐसे, और इसको ऐसे घुमा दोगे तो ये बंद हो जाएगा। अब इधर आइए, इसमें भी दो डॉट दी हुई हैं। इसके आप जाएंगे पीछे, यहाँ पे ये दो पॉइंट हैं और ये दो डॉट ये रही। इसको इसके साथ अटैच किया आपने और ट्विस्ट कर दिया, ये भी अटैच हो गई। इसके साथ इसमें है ऑन ऑफ स्विच, ये सिलिकॉन कवर के साथ है, जिससे इसके अंदर ना पानी जाए ना डस्ट जाए। आपकी मशीन की लाइफ इससे बढ़ जाती है। कंपनी ने इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान इसलिए रखा है ताकि कस्टमर को किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अब इसके अंदर ये बेल्ट कंपनी ने दी हुई है यहाँ पे टांगने के लिए। आप इसको ऐसे टांग कर काफ़ी लंबे समय तक स्प्रे का काम कर सकते हो। इससे आपके हाथ थकेंगे नहीं और ये इस मशीन को भी ज़्यादा समस्या नहीं आने वाली। अब आप ये देखिए, ये इसका ट्रिगर है बहुत हैवी प्लास्टिक के साथ, और ये इसका रेगुलेटर है, जिससे आप इसका फ्लो रेट कम या ज़्यादा कर सकते हो। इसका हैंडल बहुत अच्छी रबड़ का दिया हुआ है और ये पेटेंट टेक्नोलॉजी के साथ है। इनको कंपनी के सारे प्रोडक्ट पेटेंट टेक्नोलॉजी के साथ है, क्योंकि इन्होंने प्रोडक्ट को बहुत सोच समझ कर बहुत ध्यान से बनाया है। ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर आप अपना प्रोडक्ट को फिल करोगे, चाहे वो किसी भी तरह का केमिकल हो, चाहे पेंट हो, चाहे सैनिटाइज़र हो। कंटेनर की जो कैपेसिटी है वो 800 ml की है। अब इधर आ जाइए इसकी नोज़ल पे। इसकी नोज़ल को अगर हम खोलते हैं, ये ऐसे खुलती है। नोज़ल खुलने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये पीतल की है। कई बार कंपनियों में क्या होता है, ये नोज़ल प्लास्टिक की होती है। कोई केमिकल अगर आप ऐसा स्प्रे कर रहे हो जिससे प्लास्टिक को नुकसान पहुंचता है, तो ये नोज़ल गल जाती है। लेकिन ये जो प्लास्टिक है वो कुछ टाइम बाद वैसे भी गल जाता है, या उसमें अगर कोई प्रोडक्ट अंदर पेंट वगैरह चिपक जाता है तो वो इजीली क्लीन नहीं होता। लेकिन ब्रास पीतल के साथ ऐसी दिक्कत नहीं होती है, आप इसको इजीली क्लीन कर सकते हो अगर कुछ समस्या भी आती है तो। अब इसके साथ ये नोज़ल है, इसको अगर आप ऐसे सेट करोगे तो ये आएगा वर्टिकल के अंदर, अगर आप इसको ऐसे सेट करोगे तो आएगा ये हॉरिजॉन्टल में, और अगर इसको ऐसे सेट करोगे तो ये आएगा आपका गोल शेप में। इसको अगर आपने ऐसे करके ऐसे बंद कर दिया, अब ये गोल शेप में इसको आप पेंट कर सकते हो। ये 100% कॉपर वाइंडिंग के अंदर मशीन आती है, इसकी 6 महीने की वारंटी होती है। ये 100% कॉपर वाइंडिंग के अंदर मशीन होती है, इसकी 6 महीने की वारंटी होती है। ये 550 वाट की मशीन है, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए बहुत हैवी ड्यूटी की ये मशीन है। इसमें मैंने आपको रेगुलेटर बता दिया, इसकी खासियत बता दी मैंने आपको, जो कॉपर इसकी नोज़ल है, और जो मैंने आपको बताया था ट्विस्ट करने के बाद ये हॉरिजॉन्टल में, जैसे मैंने ये दिखा रही है, ये वर्टिकल में, ये सर्कल में, ये हॉरिजॉन्टल में ये स्प्रे करता है। इधर आप देखिए, ये एक बेल्ट, जैसे मैंने आपको दिखाई थी, एक बेल्ट कंपनी फ्री दे रही है। एक आपका ये कप आ गया, इस कप को बोलते हैं विस्कोसिटी कप। इस कप की खासियत क्या होती है, कंपनी कहती है इसके अंदर अगर आप कोई भी पेंट डालते हो, कोई भी केमिकल डालते हो, तो वो 30 सेकंड से पहले खाली हो जाना चाहिए। अगर वो 30 सेकंड से पहले खाली नहीं हो रहा तो आपको उसके अंदर कुछ और केमिकल डाल के उसको और लिक्विड बनाना पड़ेगा, जिससे आपकी मशीन लंबी चले और इसको कोई समस्या ना आए। कई बार क्या होता है दोस्तों, आप मशीन के अंदर कोई पेंट वगैरह ऐसा डालते हो जो काफ़ी समय से रखा होता है, उसमें गांठ होती है छोटी छोटी, तो ये इस मशीन की नोज़ल इतनी पतली होती है। बेसिकली इसका काम क्या होता है कि एयर के साथ एयर, बाहर की एयर को खींच के यहाँ से निकालना और साथ में पेंट को निकालना, जिससे आपकी पेंट की फैलावट ज़्यादा हो। इसका होल बहुत छोटा होता है, उसमें क्या होता है अगर आप कोई गांठ वाला पेंट डाल देते हो तो उसमें अटक जाता है। आप अपने पेंट को उसमें डालने से पहले या किसी प्रोडक्ट को उसमें डालने से पहले, डिस्टम्पर को उसमें डालने से पहले, उसको कपड़ छन करें या उसको किसी चीज़ से छान लें, ताकि उसमें कोई भी गांठ ना रहे और वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाए। इससे आपकी मशीन की लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब आते हैं इसके क्लीनिंग प्रोसेस में। इसके साथ आपको मिलती है एक पिन फ्री। इस पिन को अगर आप ऐसे यूज़ करोगे तो आप इसको इजीली क्लीन कर सकते हो, लेकिन आप इसकी नोज़ल के फ्रंट को क्लीन कर सकते हो। अंदर की मशीन को, गन को आप कैसे क्लीन करोगे, इसका मैं एक बहुत ईजी मेथड बताता हूँ आपको। जैसे आपने पेंट को यूज़ किया, आपने 3 दिन के लिए मशीन रख दी, तो अंदर पेंट जम जाएगा, जो कि एक नेचुरल चीज़ है। अब उसको क्लीन करने के लिए क्या करेंगे आप, जैसे ही आपने पेंट यूज़ किया तो रात को जब आप इसको
तो जब आप रात को इस मशीन को रेस्ट के लिए रखेंगे, उससे पहले आप इसके अंदर कोई केमिकल ऐसा डाल दें, बता रहा हूँ आपको, एनएमएल या फिर स्पिरिट, आप इस कंटेनर में थोड़ा सा एनएमएल या स्पिरिट डालें और इस मशीन को थोड़ा सा देर के लिए चला दें। इससे क्या होगा, इस गन के अंदर जहाँ जहाँ पेंट डिस्टेम्पर चिपका होगा वो पूरा क्लीन हो जाएगा, और बाहर से आपने इस पिन के थ्रू इसको नोजल को क्लीन कर दिया। मैं आपको सही बताता हूँ, ये इजीली ख़राब होने वाली मशीन नहीं है, आपको इसमें कभी कोई शिकायत मेरे हिसाब से नहीं आएगी। अगर आप इस मशीन को ख़रीदना चाहते हो तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर इसे खरीद सकते हो। वहाँ पे मैंने इसका आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। इसकी 6 महीने की वारंटी है और 100% कॉपर वाइंडिंग में ये मशीन है। अब इसकी लास्ट में आपको बता दूँ, इसकी तार देखिए आप, एक अगर आप देख पा रहे हो तो, और ये लगभग ये 1.5 से 2 मीटर तक की इसकी रेंज है लेंथ की, और तार की क्वालिटी भी आप देख सकते हो, बहुत मोटी तार की क्वालिटी है इसकी। तो दोस्तों ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था, रिव्यू था, अनबॉक्सिंग थी इंको कंपनी के एयर स्प्रे गन की, 550 वॉट की। मैं आपको मिलता हूँ नई वीडियो में बहुत जल्दी, वंदे मातरम। ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हो तो कैमरे के अंदर, ऊपर दिखा दो कैमरे में, आ रहे कैमरे के अंदर, ये इसकी स्पीड है। आप बहुत इजीली इसको यूज़ कर सकते हो, कोई बटन नहीं आता, आपको जैसा मर्जी हैंग कर सकते हो।